नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको महिलाओं के लिए एक स्पेशल एक टिप्स बता रहा हूं। कोई भी महिला अगर गर्भवती है तो करवा चौथ व्रत रखते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। करवा चौथ का व्रत हर सुहागन के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखने का विधान है। मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो क्या आपके लिए यह व्रत रखना ठीक है? आमतौर पर व्रत दो तरह से रखा जाता है, एक तो निर्जला और दूसरा फलाहारी। निर्जला व्रत वो होता है जिसमें पूजा करने तक पानी भी नहीं पिया जाता, और फलाहारी जिसमें व्रत के दौरान फल, दूध, दही आदि का सेवन किया जा सकता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए निर्जला व्रत रखना मुश्किल तो है ही, साथ ही बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं तो इन टिप्स को आजमा कर अपने और बच्चे दोनों की सेहत का ध्यान रख सकती हैं। सबसे पहला है डॉक्टर की सलाह लें। मान्यता के अनुसार करवा चौथ के व्रत के दौरान पानी भी नहीं पिया जाता है, और यदि प्रेग्नेंट महिला दिन भर बिना पानी के व्रत रखे तो उसे डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे को भी डेली न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करवा चौथ का व्रत करें। दूसरा है, ध्यान से लें सर्गी। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको सर्गी लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। आप कोशिश करें कि इस दौरान ऑयली या हैवी फूड ना लें। अगर आपके द्वारा लिए गए आहार को पचने में समय लगेगा तो इससे आपको काफी असहजता होगी। आप सर्गी के दौरान दूध, फल, ड्राई फ्रूट, सब्जी व रोटी का सेवन कर सकती हैं। इससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। तीसरा है, अलग तरीके से व्रत करें। यदि डॉक्टर और परिवार के लोगों को आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी व्रत रखने से कोई आपत्ति नहीं है तो इस बार कुछ अलग ढंग से व्रत करें। जैसे सर्गी के समय एक बड़ा ग्लास दूध पिएं, जिससे आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिल सके। इसके अलावा पूरे दिन फलाहार लेते रहें, हो सके तो लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लें। जैसे दिन भर पानी पीते रहें, नारियल पानी और फ्रूट जूस का सेवन करें। चौथा है, जितना हो सके आराम करें। प्रेगनेंसी में यदि आप खुद को हेल्दी रखना चाहती हैं तो कोशिश करें कि जितना हो सके आराम करें। दिन भर किसी भी तरह का भारी काम ना करें, बल्कि धीरे धीरे काम करते हुए बीच में आराम करते रहें। दिन के वक्त कुछ घंटे जरूर सोएं। अपना ध्यान बटाने के लिए लाइट म्यूजिक सुनें, जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा, आपको भूख कम लगेगी और आराम करते हुए व्रत कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसे ही और हेल्थ के वीडियोस देखते रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।